हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब कोई अच्छे होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं ढोकला, जिसमें कि मैंने बेसन ले लिया है और बेसन को अच्छे से छान ले रही हूँ। छानने के लिए नीचे मैंने एक बर्तन लिया है, ऊपर छन्नी लिया और उसके ऊपर चम्मच से छान ली। यहाँ पे मैंने नमक लिया है, चीनी लिया है और हल्दी लिया है, जिसको भी मैं बेसन में मिला दूँगी। देखिए, मैंने बेसन छान के रखा है और उसमें ये अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ। ढोकला बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, ये घर पे बनना आप आराम से बना सकते हैं, बच्चों के टिफिन्स में दे सकते हैं। ये जब अच्छे से मिक्स हो जाए, इसमें हम धीरे धीरे पानी डालेंगे और पानी डाल डाल के इसमें एक भी लम्स ना रहे उतना पानी हम डालेंगे। और ये इतना पतला होना चाहिए, एक बार उसका जो कंसिस्टेंसी है आप देखते जाइए, मैं लास्ट में दिखाती हूँ। पर हाँ, जितना हो सके कम कम पानी दीजिएगा, वरना पानी ज़्यादा हो जाएगा फिर दिक्कत हो जाएगा, इसलिए पानी थोड़ा कम कम दे दे के मिलाना है इसको, फिर डालना है, फिर मिलाना है, इस तरह से सारे लम्स ख़त्म करने हैं। अब देखिए, मैंने यहाँ पर इडली मशीन ले लिया है, क्योंकि मैं आज इडली मशीन में बनाऊंगी, तो उसको ग्रीस कर ले रही हूँ मैं ऑयल से। और उसके बाद फिर मैं ग्रीस करने के बाद डालूंगी वो बैटर में इनो, पहले से नहीं डालेंगे वरना उसका हवा निकल जाता है। तो मैंने यहाँ पर लेमन फ्लेवर का, यानी कि सबसे कम, मतलब इसमें कोई भी फ्लेवर नहीं होता है, वो वाला इनो ले लिया है। और चिंता बिल्कुल नहीं करने का, इनो का कोई फ्लेवर इसमें नहीं आएगा। अभी देखिए, जैसे ही मैं इसको घोल रही हूँ वैसे ये जैसे फ्लफी सा हो जा रहा है, जैसे क्रीम हो वैसे। इसको भी अच्छे से थोड़ा सा ये कर लेंगे, बहुत ज़्यादा भी इसको नहीं खोलेंगे जिससे सारा हवा निकल जाता है। तो हमने इसे घोल लिया है, अब हम इसको शिफ्ट कर देंगे, हमारा जो इडली मेकर है, इडली मशीन है, उसमें हम डाल दे रहे हैं इसको धीरे धीरे। ये मैंने सारे इडली मशीन के खांचों को फिल कर लिया है। अब हम गर्म पानी कर लिए हैं और सारे जितने भी इडली मशीन है उसके खांचों को धीरे धीरे उसमें रखते जाएंगे। और इसको फुल भी नहीं और लो भी नहीं, मीडियम फ्लेम पे इसको लगभग आधा घंटा तक हम इसे ढक के छोड़ देंगे। ये हमारा देखिए यहाँ पर लग गया है, अब हम इसे ढक दे रहे हैं। इसको आधा घंटा के लिए लगभग छोड़ देंगे, उसके बाद हम इसे बार बार चेक करेंगे। उससे पहले हम एक जो उसका पानी बनता है, या चटनी बोल सकते हो, वो जो बनता है वो ठंडा हो जाने से ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए हम लोग पहले से ही बना कर रखेंगे। तो यहाँ हमने एक छोटा सा कढ़ाई में तेल ले लिया है और उसमें डाल दिया है राई यानी सरसों, और फिर इसमें हम डालेंगे कड़ी पत्ते। कड़ी पत्ते थोड़े संभाल के डालिएगा, क्योंकि कड़ी पत्ते तेल में जाने से ही थोड़ा ज़्यादा छिटता है। तो हमने कड़ी पत्ता डाल दिया और यहाँ पर ढेर सारे डाल रही हूँ मैं हरी मिर्च। और हरी मिर्च डालने से पहले ये ध्यान रखिएगा कि हरी मिर्च का जो सामने का हिस्सा है उसे मैंने छोटे छोटे काट दिया, अगर नहीं काटेंगे तो हरी मिर्च फटेगा और फटने से तेल छिट जाता है, इसीलिए पहले ही हरी मिर्च को थोड़ा सा
नीचे से काट लीजिए या उसको थोड़ा सा चीर दीजिए तो ये फटेगा नहीं। उसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे, आप चाहो तो धनिया वगैरह अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हो, पर हमारे पास धनिया पत्ता अवेलेबल नहीं था तो नहीं डाला। अब यहाँ पर हम नमक डाल दिए हैं और डालेंगे इसमें चीनी और डाल देंगे फिर इसमें पानी, और पानी डालने से पहले हम गैस को क्या करेंगे ऑफ कर देंगे, क्योंकि तेल में कभी भी पानी जाता है तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो छींटा बाहर आ जाता है, इसलिए हम गैस को ऑफ कर दिए। उसके बाद हम इसमें पानी डाल रहे हैं और पानी डालने के बाद इसे थोड़ा सा चला देंगे, चलाने से नमक और चीनी जो है वो अच्छे से घुल जाएगा, और इसे लो फ्लेम में फिर से इसको बैठा देंगे जब तक कि नमक और चीनी इसमें अच्छी तरह से घुल ना जाए। अब इसमें एक चीज़ हो रहा है कि जो फ्लेवर है मिर्च का या कड़ी पत्ता का वो एक साथ मिक्स हो जा रहा है, जिससे मैं जब पानी को यूज़ करूँगी ढोकला में तो इसका सारा फ्लेवर उसमें चला जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पर अगर आप तीखा ज़्यादा खाते हो तो आप मिर्च भी डाल सकते हो जो पाउडर वाला आता है। अब देखिए मैं यहाँ पर चेक कर रही हूँ, तो फर्स्ट टाइम मैं जब चेक की तब वो नहीं बना था, तो मैं और 5 मिनट के लिए, देखिए ये चम्मच निकल के आया और इसमें लगा हुआ था, तो मैं 5 मिनट के लिए और ढक के छोड़ दी थी, लगभग ये हो ही गया था तैयार, तो ये मैंने छोड़ दिया। और फिर से 5 मिनट बाद फिर मैं खोल के देख रही हूँ तो ये चम्मच में बिल्कुल क्लियर आ रहा है, मतलब ये हो चुका है। तो अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इसको निकाल के ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे कुछ देर के लिए। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसको इडली मशीन से निकालेंगे चम्मच से। कैसे निकालते हैं इडली मशीन से, बस चम्मच को लीजिए, हल्का से गीला करके लाइए जिससे कि वो चिपके नहीं, और उसके बाद चम्मच से इस तरह से निकाल दीजिए, ये बहुत ईजीली निकल जाएगा। सारे ढोकलों को मैंने बाहर निकाल लिया है और एक प्लेट में सजा लिया है। अब इसमें जो चटनी है जो हम लोग बनाए हैं पानी इसका, उसको हम इसके ऊपर डाल देंगे और 10 मिनट के लिए लगभग उसको छोड़ देंगे, जिससे कि ढोकला में सारे जितने भी इसमें पानी का जो फ्लेवर है वो इसमें अच्छे से आ जाए। आप चाहो तो इस स्टेज में आप धनिया को छोटा छोटा काट लीजिए और उसके ऊपर छींट दीजिए, जैसे कि ऊपर से स्प्रिंकल करते हैं वैसे छींट दीजिए, और ये रहा तैयार है हमारा ढोकला। खाइए, बनाइए, इंजॉय कीजिए और अपना कमेंट में अपने स्वाद के बारे में ज़रूर बताइए कि आपको ये खा के कैसा लगा। फिर मिलती हूँ, बाय बाय।